सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और गाइस, एक दिन का गैप लेना पड़ा क्योंकि यार तबीयत खराब थी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से ब्लॉग नहीं कर पाया। तो आज हम जा रहे हैं, बहुत प्यारी जगह आपको दिखाते हैं। और उस जगह पर ना रील्स बनाने बहुत लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग रील्स बनाने आते हैं, और फ़ोटो शूट के लिए बहुत प्यारी जगह है वो भाई। तो आज हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं, आप टाइटल थंबनेल देख के समझ जाएंगे, बट हम फिर भी आपको वहीं जाकर बताएंगे। अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ रेडी होकर। सो ये आ गया अपना ब्रेकफास्ट, इसे खाते हैं। सो गाइस, रेडी हो चुका हूँ मैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। कितना भी जल्दी कर लो, बट ये लिफ्ट जीना दुश्वार कर रखा है इसने मेरा। अब आपको अपने लोकेशन पे चलकर मिलता हूँ, और लिफ्ट बहुत देर बाद आई है वैसे ही। सो ये हमने ड्रोन भाई को पिक कर लिया है और हम जा रहे हैं वहाँ सामने। गाइस, हम पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पर और आपको लोकेशन दिखा दी। एरिया हमारी लोकेशन, और यहाँ पर आपको ना साइड में वो आ रही होगी कि बहुत से लोगों ने यहाँ पर क्रिएटर्स ने वीडियोस बना रखी हैं, तो आपको यहाँ साइड में शो हो रहा होगा। और भाई बहुत प्यारी लोकेशन है, एडवांट बोलते हैं इसे, और ये हमारे सामने ही बना है। एंड गाइज, ये समझ लो आप, ये है हमारे पीछे जगह एडवांट, और भाई बहुत फेमस हो रखी है। हम तो हमारे तो सामने ही मतलब ये बना है पूरा, क्योंकि हमें 4-5 साल हो गए यहाँ नोएडा में, और हमने आज तक फ़ोटो नहीं खिंचवाई यहाँ पर, ये समझ लो भाई। आज पहली बार फ़ोटो खिंचवाऊँगा यहाँ पर इसके पीछे। तो भाई बहुत बढ़िया जगह लगती है, बट बारिश की वजह से हम अंदर नहीं जा रहे हैं, हम आपको यहीं से दिखा रहे हैं, क्योंकि यहीं से लोग वीडियो बनाते हैं, और यहाँ से ना बहुत प्यारा व्यू आता है इसका जो आता है। भाई बहुत प्यारी जगह है, देख सकते हो आप। वो वाली बिल्डिंग में रात में लाइट जलती है, और एडवांट में भी रात में लाइट जलती है, रात की भी यहाँ पर आपको फ़ोटो शो हो रही होगी साइड में। तो रात में ये ऐसा लगता है, देख सकते हैं आप, बहुत प्यारा लगता है। और बारिश हो गई तेज, हम यहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ से देखो ये कुछ इस तरह का दिखता है, बिल्कुल पास खड़ा हूँ मैं इसके सामने। हमारे प्लान की ऐसी तैसी हो चुकी है, हम पूरा आपको अच्छे से दिखाते हैं, बट है ना बारिश हो गई, क्या करें यार, बहुत तेज़ हो गई एकदम बारिश, बारिश ने परेशान कर रखा है। गाइस फाइनली घर पहुंच गया यार, बहुत तेज़ बारिश हो गई थी ये समझ लो भाई। क्या मैं आपको बहुत अच्छे से मैं दिखाता, अंदर भी जाता मैं आपको पूरा वो दिखाता व्यू, बट क्या यार इतनी तेज़ बारिश हो गई ना कि हमें घर वापस आना पड़ा। और हमारा घर वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं था, पास में, तो हम इस वजह से घर आ भी पाए वापस, क्योंकि भाई कितना ही भीगते, मेरी वैसे ही बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो मैं ज़्यादा भीग भी नहीं सकता यार, बीमार हो जाता, समझ रहे हो आप। तो इस वजह से यार घर वापस आना पड़ा यार। घर वापस आकर भाई पूरा भीग चुका हूँ मैं, ये समझ लो आप, ऊपर से नीचे तक ब्लैक है, इसलिए पता नहीं लग रहा होगा। एंड बारिश अब जाकर रुकी है भाई बाहर। सो गाइस वही, अगर आपको यहाँ पे बहुत सारे मतलब जितने भी मतलब बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं इंस्टाग्राम के, वो इन्फ्लुएंसर, उन सब ने आकर यहाँ पर वीडियोज़ बनाते हैं भाई, और इतना प्यारा व्यू आता है ना। मैंने तो कभी यूज़ नहीं करा था, बट मैंने सोचा आप सबको ब्लॉग में दिखा देता हूँ जगह कि कितनी प्यारी जगह है। अगर आपका भी मन करे तो आप आकर वीडियोज़ बना सकते हो, फोटोशूट कर सकते हो। वही यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और आपको किसी दिन इस पर प्रॉपर बढ़िया से पूरा व्लॉग कर दिखाऊंगा एडवांट पे। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।